हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी निर्वाचन। फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूँ फिनोट्रेंड बैंक का अकाउंट ओपनिंग सक्सेस क्यों नहीं है। आप लोग को भी पता है, जो भी हमारे बीसी मर्चेंट है, जो भी अकाउंट ओपनिंग करते हैं फिनो को, उनको इसका दर्द पता होगा कि फिनो के अकाउंट ओपनिंग आखिर सक्सेस क्यों नहीं है। इसके पीछे आपको मेन दो तीन कारण है जिसके कारण फिनो का अकाउंट सक्सेसफुल नहीं है। जो भी कस्टमर अकाउंट खोलता है वो भी प्रॉब्लम में रहता है, और जो खोलते हैं बीसी मर्चेंट उनको भी आगे चल के दिक्कत होती है। तो उसी दो तीन कारणों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि फिनो के जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, उनको भी पता चले आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है फिनो के अकाउंट ओपनिंग का। देखिए, फिनो का सबसे बड़ी जो दिक्कत है फिनो फ्रेंड के अकाउंट का, वो दिक्कत है सरकारी किसी भी वर्क में फिनो के अकाउंट का काम ना करना। मतलब फिनो ने तो बहुत कोशिश किया कि हाँ, फिनो का जो अकाउंट है सभी सरकारी काम में का वर्क करे, बट अभी भी वो चीज़ नहीं हो पाया जो होना चाहिए। फिनो का अकाउंट ओपनिंग में अभी वही सरकारी पैसे आते हैं जो आधार से सीडेड होके पैसा अकाउंट में आता है। मतलब जो अकाउंट में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, सरकार पैसा आधार कार्ड के थ्रू भेजती है, वही पैसा आता है, जैसे कि आपको गैस सब्सिडी का पैसा है। अब जैसे कि आप पीएम किसान हुआ, पीएम किसान में आप इसका अकाउंट दे के देखिए क्या होता है, आगे चल के ये अकाउंट अप्रूव ही नहीं होता है। जो कस्टमर, जो किसान भाई अपना पीएम किसान का फॉर्म अप्लाई करते हैं, मतलब ये अकाउंट दे के, मतलब मेरा ही कस्टमर है, आके गाली दे रहे थे कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा आधार की वजह से, मेरा पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा है। वैसे ही आपको मनरेगा में भी काम नहीं करेगा, आप इसको इंदिरा निवास में दीजिए, या आप इसको शौचालय विभाग में दीजिए, या आप बच्चे के खाते में दीजिए, कहीं भी अकाउंट आपको वर्क नहीं करता है। अभी भी ये ज़मीनी हकीकत है जिसको फिनो के सभी उच्च अधिकारी को समझना होगा। ये एक सबसे मेन कारण है फिनो के अकाउंट ओपनिंग को उस स्तर से न खुलना, उस स्तर से सक्सेस न हो पाना। एक्चुअली क्या है, देखिए फिनो ने एक और गलती की यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, जैसे SBI जो भी बड़े बैंक है उनको कॉपी किया। इन्होंने क्या किया, अपना हर एक स्टेट में चाहे हर एक सिटी में इन्होंने ब्रांच और IFSC कोड अलग रखा, जिससे कि बहुत ही अब कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। हमारे सभी बीसी मर्चेंट को भी अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर हम IFSC कोड फिनो के अकाउंट में दे कौन सा दे, क्योंकि हर ब्रांच कोड का अलग IFSC कोड देते हैं, और ये जब IFSC कोड किसी भी सरकारी वेबसाइट पर डाला जाता है तो ये एक्सेप्ट करता ही नहीं है, लेता ही नहीं है। और यहीं पे मैं आपको, और पेमेंट्स बैंक है इंडिया के, जैसे कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ले लीजिए, उसका ओनली वन एक IFSC कोड है। आप किसी भी सरकारी फंड के फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसमें उसका अकाउंट डालिए, ईजिली एक्सेप्ट कर लेता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप वहीं आप एयरटेल का ले लीजिए, पेटीएम का ले लीजिए, सबका ओनली वन IFSC कोड है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट ये फिनो का समझ नहीं आता, इन्होंने क्या किया, कैसे दिमाग लगाया, ये तो समझ नहीं आता। ये हमसे तो ज़्यादा ही दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, बट पता नहीं ज़मीनी हकीकत पर तो कुछ दिखाई देता नहीं है। तो अभी से भी फिनो के अधिकारी को बस टाइम है, वो क्या कर ले, यूनिवर्सल एक IFSC कोड लॉन्च करे, या अभी है भी, मुझे भी जहाँ तक पता है, बट क्या है कि अभी वो भी सक्सेस नहीं है किसी भी सरकारी फंड में देने पे। तो इस पर फिनो को काम करना चाहिए जिससे कि उनका अकाउंट ओपनिंग सक्सेस हो पाए, और जो भी बीसी मर्चेंट इस फिनो के आईडी को लिए हैं जिस लालच में, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, अगर हम केवल ट्रांजेक्शन की बात करें तो अभी मार्केट में बहुत सी ढेरों कंपनियाँ हैं जिसकी आईडी आपको फ्री में या बहुत ही 100-200 में मिल जाएगी, जिससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट आप फिनो का ही आईडी क्यों लेंगे, हम 2,000, 3,000 चाहे 10,000 चाहे 25,000-30,000 रुपये लगा क्यों लेंगे, क्योंकि मेन ही एक ही वो ऑप्शन है, वो है अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग की वजह से ही कोई फिनो का अकाउंट मतलब आईडी लेता है। तो फिर अगर फिनो का अकाउंट ओपनिंग ही सक्सेस नहीं हो पाएगा तो कोई क्यों लेगा फिनो का अकाउंट, ये चीज़ समझ नहीं आता है। ये सभी बीसी मर्चेंट का ये दुख दर्द है, आखिर होता बहुत ही दिक्कत वाली बात है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई भी दुकानदार है या कोई भी रिटेलर है, पहले तो वो किसी कंपनी का AIFS ID वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद कुछ दिन वो ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन करने के बाद उनको पता लगता है यार अपना कुछ कस्टमर रहता तो कुछ अच्छा हम कमा सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलिए अब पता करते हैं किसी बैंक का CSP मिल जाए। तो अब CSP जब ढूंढने जाते हैं तो पता लगता है कि अभी मार्केट में किसी भी बैंक का CSP उपलब्ध नहीं है, अभी नहीं मिल पाएगा। तो कुछ उन लोग को रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि नहीं, फिनो पेमेंट बैंक का CSP आपको मिल जाएगा, वो भी आपको 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। तो वो अकाउंट ओपनिंग के लालच लेके वो फिनो का आईडी ले लेते हैं।
आईडी नया पर लेने के बाद क्या होता है, कुछ दिन उनको भी उत्साह रहता है कि चलो भाई सीएसपी अकाउंट ओपनिंग हम कर सकते हैं कर सकते हैं। बट कुछ दिन अकाउंट ओपन करते भी हैं, दो चार करते हैं, जब इसका रियलिटी पता लगता है तो वो भी बहुत ही मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता लग जाता है कि भाई इतना पैसा लगाने के बाद, और कस्टमर को भी महसूस होता है। अभी कस्टमर के बारे में बताऊँगा आगे कि क्या कस्टमर को क्या दुख दर्द है, जो हमने भी इस चीज़ को फेस किया, खुद मैंने अपने सीएसपी पे देखा है, जो अच्छा नहीं लगता खुद अपने से। तो फर्स्ट ऑप्शन यही है कि फिनो का अकाउंट कहीं भी आपको सरकारी फंड में एक्सेप्टेबल नहीं है, इस पे आपको फिनो को वर्क करना होगा। जो दूसरा मेन कारण है वो है फिनो का कस्टमर के अकाउंट से पैसा काटना, मतलब एक्सेस पैसा काटना। ऐसा तो इंडिया में कोई बैंक ही नहीं है जितना फिनो चार्ज में पैसा काटता है। ठीक है, फिनो का चार्ज काटने का तरीका भी एक अजीब है, और हमको नहीं पता लगता, जो भी ये मैनेजमेंट में है ना फिनो के, वो बहुत ही दिमाग लगाए हैं, इस तरह से दिमाग लगाए हैं कि क्या कहा जाए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम किसी कस्टमर का फिनो का एक प्रथम सेविंग अकाउंट होता है, उसको ओपन करते हैं, वही उस अकाउंट में 1,000 रुपये आपको मिनिमम रखना रहता है। तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर आता है आपके पास, आप अकाउंट उसका ओपन करते हैं, उस खाते में 1,000 रुपया भी आप डिपॉजिट कर देते हैं, क्या बताते हैं 1,000 रुपये रखना है, तो कस्टमर दे भी देता है आपको। अब उसके बाद क्या करता है, कस्टमर 1,000 रुपया रख दिया, अगले महीने क्या होता है, फिनो क्या करता है, एसएमएस चार्ज का 5 रुपया समथिंग कुछ पैसा काट लेता है। अब वो क्या हुआ, 1,000 से तो 5 रुपया कम हो गया। अब फिनो अगले मंथ क्या करेगा, आपको उसका एमएबी चार्ज काटेगा लगभग 59 रुपये समथिंग। अब ऐसे करके वो हर महीना काटता रहेगा, कस्टमर तो सोच रहा है भाई हमने 1,000 रुपया डाला हुआ है। तो ये तरीका है फिनो का पैसा काटने का, जिससे मतलब क्या करें, कस्टमर तो आके सीएसपी संचालक को तो गाली देते ही देते हैं, और अपना जो भी सीएसपी संचालक अगर उनमें भी मना होता है तो उनको भी लगता है यार एक गलत चीज़ है, मतलब अरे यार तुम एसएमएस चार्ज लो भाई, हम फिनो में ऐसे नहीं बोले को गलत कर रहे हैं, फिनो में एसएमएस चार्ज दो भाई, मतलब जो भी अदर बैंक है, उल बैंक जो भी है, वो आपको 3 महीने पर एसएमएस चार्ज काटते हैं, मतलब क्वार्टरली काटते हैं, 3 महीने पर 15 रुपये जो भी होता है वो काटे, आप भी 3 महीने पर काटिए ना, कस्टमर को भी पता रहेगा भाई हाँ 3 महीने पर पैसा कटेगा, तो उस हिसाब से करेगा, 3 महीने आप ब्याज भी तो मिलता है ना, तो उससे तो कवर हो जाएगा। बट आपने तो नहीं, आपने तो पैसा कमाने के लिए आप अकाउंट ओपनिंग किया है ना भाई, पैसा काट काट के हम कमाएंगे, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। और दूसरा आप देख लेते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग, फिनो ने बहुत नाम किया कि हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट रियलिटी धरातल पर क्या है वो सभी को पता है। फिनो ने जीरो के नाम पे अभी आप उसका एक शुभ सेविंग अकाउंट उन्होंने लॉन्च किया, उसका जो इनिशियल डिपॉजिट है 399 रुपया है, मतलब आप अगर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो 399 रुपये, मतलब 400 रुपये तो आपका ऐसे ही फर्स्ट टाइम ही गायब हो जाएगा। मतलब ये एक दिमाग के मतलब ऊपर परे चीज़ है, मतलब समझ नहीं आता। आप किसी भी अदर बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कीजिए, आपको 1 रुपया किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं देना है, आपका जो है बस जीरो में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बस इसमें क्या है, 400 रुपये दीजिए, 400 रुपये में आपका एटीएम चार्ज वो सबसे पहले ही काटेंगे। अदर बैंक वाले हैं एटीएम चार्ज मतलब बाद में 1 साल के बाद काटते हैं, ये पहले इनको चाहिए, अभी अकाउंट ओपन आप किए नहीं, आप पहले उनको दे दीजिए एसएमएस चार्ज 1 साल का पहले ही इनको दे दीजिए। ये कैसा अकाउंट ओपनिंग है भाई जीरो बैलेंस, हमको ये समझ नहीं आया। ये हमको समझाए थोड़ा सा फिनो को जो भी अधिकारी है वो समझाए कि ये कैसा अकाउंट ओपनिंग है। अब आप बात करेंगे कि पेमेंट बैंक का, अदर भी तो पेमेंट बैंक है, आप दे लिख दीजिए पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक है ना, वो भी जीरो में अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, कहाँ 1 रुपया किसी कस्टमर का ले रहे हैं एक्स्ट्रा। आप एयरटेल का ही बात कीजिए, जीरो में अकाउंट ओपनिंग। आप पेटीएम का बात कर लीजिए, कहीं 1 रुपया बता दीजिए जीरो बैलेंस में ओपन कर रहे हैं तो 1 रुपया किसी चीज़ का वो ले रहे हैं। हाँ अगर ले रहे हैं भाई एटीएम का चार्ज ले रहे हैं, आप भी लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अभी स्टार्टिंग में अभी अकाउंट ओपन हुआ नहीं तब अब तक तब तक आप चार्ज ले रहे हैं अकाउंट, ये तो गलत है ना, किसी को दिखता है यार कि भाई ये 400 रुपये अभी क्यों देंगे। अगर आपका कोई वीसी मर्चेंट अकाउंट ओपनिंग करता है, सोचिए 400 रुपये तो आपको इनिशियल डिपॉजिट कर दिया, फिर अगर उसको 50-100 रुपये वो कस्टमर से लेता ही लेता है, ये धरातल का ये रियलिटी है, ये चीज़ आपको भी कहीं आभास होगा इस चीज़ को। अब सोचिए कोई कस्टमर जीरो बैलेंस के नाम पर अगर 500 रुपये आकर अकाउंट में दिया, उसको 1 रुपया भी अकाउंट में ना आए, तो कैसे पॉसिबल है अकाउंट ओपनिंग कराना, इस चीज़ को ये समझ नहीं आता है। तो आपको तो अगर सच में अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बैंकिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपको तो एकदम प्योर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग एक लेके आना ही होगा, जिससे कि आपका एक कस्टमर बेस बढ़े, ये चीज़ आपको एक करना होगा। आपने बहुत से टाइप का अकाउंट ओपनिंग आपने ला दिया है, कितना बच्चों का भी एक नया अकाउंट ओपनिंग ला दिया 350 से, आपने एक और नया अकाउंट ओपनिंग 250, ये कोई भी सक्सेस नहीं होने वाला है सर जी। आप लोग थोड़ा सा समझिए, आप ग्रामीण इलाके को, जो आप सुदूर इलाकों में सोचते हैं कि हाँ मैं बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाऊंगा, तो उसके लिए आपको जीरो बैलेंस, प्योर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग लेके आना ही होगा, तब जाके आप टॉप लेवल पे जाएंगे, इस चीज़ को आपको समझना होगा। हमको तो समझ नहीं आता, आपके जो भी एम्प्लॉय हैं, सीआरओ हैं, पता नहीं वो
जमीनी जमीन के जो वजूद से जो फीडबैक मिलता है वो देते हैं कि नहीं आपको देते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए। और तीसरा और मेन जो रीज़न है अकाउंट ओपनिंग सक्सेस ना होने का, ये है कि आपके फिनो के जो भी अधिकारी हैं वो बीसी मर्चेंट या कस्टमर को सपोर्ट उस लेवल से नहीं दे पा रहे जिस लेवल से देना चाहिए। आपको कस्टमर केयर फ़ोन करो तो वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं, बोलते हैं आप ब्रांच में कंटेक्ट करो, ब्रांच में जाओ कोई सपोर्ट देने वाला कुछ नहीं है किसी को ना, कस्टमर का कोई अगर दिक्कत हो गया उसके खाते में रिस्ट्रिक्शन लग गया चाहे कुछ भी हो, अब बीसी मर्चेंट करेगा क्या भाई, अपना शॉप चलाया गया घूमते रहेगा ब्रांच, ये समझ नहीं आता इस चीज़ को, इसको सपोर्ट आपको देना ही होगा। आपको अकाउंट ओपनिंग के मामले में मेनली बात कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन के लिए तो बहुत सी कंपनियों का आइडिया, किसी भी कंपनी का आइडिया को काम कर सकते हैं, बट अगर आपको सीएसपी ले रहे हैं कि हाँ भाई मैं कुछ करना चाहते हैं आपके साथ जुड़ के, जो भी कस्टमर है दुकानदार है ग्राहक है, तो उनको आप सपोर्ट दीजिए उस लेवल से कि वो भी आगे बढ़े साथ में आप भी आगे बढ़े। तो आज का वीडियो यही था, इस वीडियो को जितना लाइक शेयर हो सके उतना लाइक शेयर आप लोग कीजिएगा कि फिनो के अधिकारियों तक पहुँचे, उनको भी ये बात समझ आए और कुछ एक नया अकाउंट ओपनिंग आए जो प्योर जीरो हो जिससे सभी को फ़ायदा हो सके।